नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चापाकल से पानी कैसे छोड़ा है। सॉरी सॉरी सॉरी, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका चापाकल पानी छोड़ देता है या भाग जाता है तो उसको कैसे दूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी समस्याएँ दूर होने वाली हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हम चलते हैं सीधे चापाकल पर। तो दोस्तों, चापाकल पर हम आ गए हैं। अब चापाकल को हम चला करके देखते हैं कि पानी निकलता है या नहीं। यहाँ हम देखिए चला रहे हैं लेकिन चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी चापाकल का पानी छोड़ देता है तो इस वीडियो के माध्यम से चापाकल की पानी छोड़ने की समस्या को दूर कर पाएंगे। चापाकल में पानी डालकर देखते हैं कि चापाकल पानी पकड़ता है या नहीं। चलिए यहाँ हम डाल दे रहे हैं एक लोटा पानी और देखते हैं चलाकर। देखिए यहाँ चला रहे हैं लेकिन पकड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अगर चापाकल से पानी पकड़ाने के लिए थोड़ा ही पानी डालना है तो हैंडल को ऊपर करके पानी डालें। दोस्तों देखिए कितना हमने चलाया लेकिन पानी नहीं पकड़ा, और पानी डालकर देखते हैं कि पकड़ लेता है या नहीं। चापाकल से पानी पकड़ाते समय जब पानी डालते हैं उसके बाद हैंडल को जल्दी जल्दी दबाना है, इतना भी जल्दी नहीं कर देना है कि हैंडल ही टूट जाए। चापाकल से पानी पकड़ाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन पकड़ नहीं रहा है। इसको ठीक करने के लिए चेक करेंगे कहाँ से चापाकल में गड़बड़ी है। चापाकल को ठीक करने के लिए यहाँ देखिए यह नट बोल्ट है, इसको खोलना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ेगा। यह नट बोल्ट हम रेंच की सहायता से खोलेंगे। यहाँ हमारे पास एक रेंच है इसलिए एक से ही खोलेंगे। अगर आपके पास दो रेंच है तो आप आसानी से नट बोल्ट को खोल सकते हैं। ऊपर अंगूठे से दबा कर रखेंगे ताकि नट बोल्ट एक साथ न घूमे, ताकि यह नट बोल्ट खुल जाए। नट ढीला हो गया है, अब इसको हाथ से ही खोल लेंगे। यह नट बोल्ट खुल गया आसानी से। सभी नट बोल्ट रेंच से खोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा नट बोल्ट ढीला है। अरे यार, हमारा नहीं, चापाकल का नट बोल्ट ढीला है। अब इसे बाहर निकालते हैं, अगर नहीं निकलता तो हिला डुला करके इसे बाहर निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इस राड में जो देख रहे हैं वार्सल लगा है, यह पानी उठाने वाला वार्सल है, लेकिन इस चापाकल में पानी भागता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ इसमें है पानी कि नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं इस चापाकल में पानी नहीं है। और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ चेकवाल दिख रहा है लेकिन यहाँ इस चापाकल में पानी नहीं है। देखिए यह चेकवाल दिख रहा है। चापाकल को नीचे से खोलेंगे और चेक करेंगे कि चेकवाल सही है या खराब हो गया है। तो चलिए चालू करते हैं खोलना। चापाकल से पानी भागने का कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं जो आपको आगे जानने को मिलेगा। दोस्तों चेकवाल को निकालने के लिए चापाकल को यहाँ नीचे से खोलना पड़ेगा। चापाकल या हैंडपम्प का नट बोल्ट खोलते समय बड़े ही सावधानी से खोलें। जब नट बोल्ट ना खुले तो रेंच की सहायता से नट बोल्ट को ठोकें। ठोकने से जो जंग लगा है वो छूट जाएगा और आसानी से खुल सकता है। जब आप नट खोलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नट बोल्ट एक साथ घूम जा रहा है तो यहाँ नीचे से पेचकस की सहायता से सपोर्ट देंगे और इस तरह घुमाएंगे, क्योंकि नीचे से रेंच लगाने का जगह नहीं होता। जब नट खोलते समय बोल्ट भी साथ में घूमता है तो इस तरह से पेचकस को नीचे से अंदर डाल करके प्रेस करेंगे और इसको आसानी से खोलेंगे। अगर आप नट बोल्ट को रेंच और पेचकस की सहायता से इस तरह खोल रहे हैं फिर भी नहीं खुल रहा है तो आपको नट बोल्ट पर पानी डाल देना है और 10-15 मिनट के बाद खोलना है तो खुल जाएगा आसानी से। नट बोल्ट में जंग लगने के कारण यह नहीं खुलता है। पानी डालने से यह जंग मुलायम हो जाता है और आसानी से खुलने लगता है। देखिए यहाँ खोल रहे हैं, कुछ देर के बाद यहाँ देखिए खुल रहा है। इस तरह सभी नट बोल्ट को खोल लेंगे। वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। तीन नट खुल गया है और एक जो है यह नहीं खुल रहा है, तो इसको ऐसे ही हम
हैंड पंप को निकाल लेंगे, क्योंकि 3 नट बोल्ट खुल गया है इसलिए यह निकल जाएगा आसानी से। बोल्ट को निकाल करके रख देते हैं साइड में इस तरफ। अब यह देखिए हैंड पंप है, यह एकदम खोखला है और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ आर पार आपको दिख रहा होगा, देखिए हमारा हाथ भी दिख रहा होगा इधर। तो चलिए दोस्तों, अब चेक वाल्व को हम यहाँ से उठाकर देखते हैं यह क्या कंडीशन है, इसका सही है या खराब हो गया है। यहाँ देखिए यह चेक वाल्व, इसको हम उठा रहे हैं तो यहाँ इस तरीके से दिख रहा है आपको, यह देखिए खराब है, यह चेक वाल्व खराब है। इसको अच्छे से निकाल लेंगे पूरा और इसको फिर दूसरा इसमें चेक वाल्व लगाना पड़ेगा। इस चेक वाल्व को आप देख रहे हैं कितना खराब हो गया था, इसी कारण से यह पानी भाग जाता था चापाकल का। चेक वाल्व का कुछ भाग जो जलेबी में लगा हुआ है, इसे जो आप देख रहे हैं नट बोल्ट, इसको खोल करके अलग करेंगे। नया चेक वाल्व लगाने से पहले यहाँ देख रहे हैं जो चेक वाल्व पुराना लगा था यह चिपक गया है यहाँ सड़ करके, तो इसको साफ करेंगे, अच्छे तरीके से साफ करेंगे। अगर ऐसे ही लगा देते हैं तो यहाँ से फिर से एयर लेगा और पानी भाग जाएगा। जो चेक वाल्व का कुछ भाग इसमें चिपक गया है उसे पेचकस की सहायता से इस तरह खुरच करके साफ करेंगे। इसे साफ करते समय जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से साफ करेंगे, नहीं तो आपको फिर से चापाकल खोलना पड़ेगा और फिर से साफ करना पड़ेगा। जब अच्छे से साफ नहीं होता तो यहाँ से एयर लेता है और पानी भाग जाता है। फटाफट साफ कर लेते हैं इसको और उसके बाद आपको आगे बताते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पेचकस से खुरचने के बाद पानी डालकर भी साफ कर देंगे अच्छे से। कुछ इसमें भी चिपक गया है, इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। यह साफ हो गया है। यहाँ देखिए एक नट बोल्ट नहीं खुला था, यह फंसा हुआ है इसमें, तो इसको खोलने का प्रयास करेंगे। अगर काफ़ी प्रयास के बाद भी नट बोल्ट ना खुले तो आप हेक्सा ब्लेड के द्वारा इसे काट करके निकाल सकते हैं। इसे हम हेक्सा ब्लेड से काटते नहीं हैं, 2 रेंच की सहायता से इसे खोलने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम बाहर निकाल लिए हैं इसलिए 2 रेंच लगा सकते हैं और यह खुल सकता है। यह देखिए नट खुल गया कितना आसानी से। यहाँ देखिए इस बोल्ट में चूड़ियाँ जो कटी हुई हैं, यह जंग के कारण खराब हो गया था, इसलिए नट नहीं घूम रहा था और नहीं खुल पा रहा था। पुराने नट बोल्ट को नहीं लगाएंगे जो खराब हुआ था, उसके जगह नया नट बोल्ट लगाएंगे। जिस जगह बोल्ट लगा था उसको अच्छे से पेचकस की सहायता से साफ कर लेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाता है। यह चेक वाल्व है, ये खराब है तो इसको, यह किसी काम का नहीं है, इसको फेंक देते हैं और उसके बाद इसमें से जो है लगा हुआ है थोड़ा सा कुछ पार्ट, इसको साफ करते हैं। सावधानी से इसे खोलेंगे, इसमें जो नट बोल्ट लगा है इसको भी खोलेंगे तभी चेक वाल्व लगेगा। इसमें जो बोल्ट लगा हुआ है उस पर स्लॉट कटा हुआ है, जंग के कारण यह जाम हो गया है, इसको साफ करेंगे पेचकस से। इस बोल्ट को साफ करके इसको खोलेंगे, उसके बाद चेक वाल्व इसमें सेट करेंगे। इस नट को प्लास के द्वारा खोलेंगे। नट खोलने के लिए नीचे से पेचकस लगाएंगे और ऐसे ऊपर से प्लास से खोलेंगे तो यह खुल जाएगा। यहाँ अब नट ढीला हो गया, हाथ से ही इसे खोल लेंगे। यह देखिए आराम से यह खुल गया। यह नया चेक वाल्व है, यह आप बाजार से 30 रुपए में खरीद सकते हैं। चेक वाल्व को इसमें सेट करेंगे। सेट करते समय ध्यान देना है, यह जो उठा हुआ भाग है यह चेक वाल्व में, यहाँ इस तरफ जो देख रहे हैं यह ऐसे सेट होगा, यहाँ ऐसे सेट किया जाएगा इसको। जब हम चापाकल चलाते हैं तो इस तरह प्रक्रिया होती है चलाने पर। नट बोल्ट लगा करके अब चेक वाल्व को कस देते हैं। हाथ से नट को कसने के बाद पेचकस से भी अच्छे से टाइट करेंगे, क्योंकि अच्छे से अगर नहीं हम टाइट करते हैं तो यहाँ से एयर लेगा और पानी भाग जाएगा, तो इसको ध्यान देना है कि अच्छे से कसना है। इसे हमने अच्छे से कस दिया, अब इसको रखते हैं इस पर। इसको ध्यान देना है इसी तरीके से रखना है, इसको उल्टा करके नहीं रखना है। और यहाँ सामने से जो दिख रहा है इस तरफ चाहे जिस तरफ घुमा दीजिए, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन अच्छे से रखना है। जब हम चापाकल चलाते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया होती है, जब उठता है तो पानी अंदर से बाहर की ओर निकलता है। यहाँ देखिए हाथ में 4 बोल्ट है, इसको ऐसे लगाते हैं इस तरीके से, देखिए चारों को बराबर खड़ा कर देंगे अच्छे से।
अब चापाकल को इस पर रख करके सेट करते हैं। इसको सेट करते समय ध्यान देंगे कि जो बोल्ट हमने रखा है वो खड़ा होना चाहिए अच्छे से, तभी सेट हो पाएगा। यहाँ उंगली से भी कर सकते हैं, इसको सीधा ध्यान देना है, उंगली ना दबे। दोस्तों, चापाकल या हैंडपंप का पानी तब भागता है जब चेकवाल्व जो लगा होता है वह खराब हो, या चेकवाल्व को बदलते समय जो नट बोल्ट होता है उसको सही ढंग से अच्छे से ना कसा हो, या आप जो देख रहे हैं नट बोल्ट कसा जा रहा है, अगर यहाँ से भी अच्छे ढंग से नहीं कसा जाता है तो पानी चापाकल या हैंडपंप का पानी भागता है। या चापाकल का मेन पाइप जो होता है जिसके द्वारा हैंडपंप या चापाकल में पानी अंदर आता है, अगर वह ख़राब हो जाता है, अगर लोहे का है या फिर प्लास्टिक का ही है, अगर कहीं से एयर लेता रहता है तो चापाकल का या हैंडपंप का पानी भाग जाता है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जब भी आपका चापाकल का पानी भागता हो तो इन बातों को ध्यान में रख करके चेक करें चापाकल में क्या गड़बड़ी है, उस तरीके से इसको सही करें। इस नट बोल्ट को कसते समय ध्यान दें, इसको कसेंगे उसके बाद सीधा सामने वाला, देख रहे हैं सामने वाला नट को कसेंगे, इसके बाद यहाँ कसेंगे, उसके बाद सामने का, यानी कि सामने सामने का नट कसेंगे। जैसे पहला ये कस दिए तो उसके बगल का नहीं कसेंगे, एक तरफ भाग जाएगा अगर इस तरह बगल का नट बोल्ट कसते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेंच की सहायता से इसको अच्छे से कसते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमने नट बोल्ट अभी कसा है उसके ठीक सामने का ही नट बोल्ट हम कस रहे हैं। नट बोल्ट को कसते समय ध्यान देना है कि इतना भी नहीं कसना है कि चापाकल टूट जाए, क्योंकि यह कास्ट आयरन का बना होता है, इसलिए इसको ज़्यादा भी नहीं कसेंगे। चलिए नट बोल्ट को अच्छे से कस लेते हैं फटाफट, उसके बाद कुछ खास बात आपको बताते हैं। चापाकल में अगर चेकवाल्व खराब हो तभी बदलें, बिना खराब होने पर उसे ना बदलें, क्योंकि इसको बदलने से आपका पानी भागने की समस्या दूर नहीं होगी, कुछ दूसरा समस्या होगा, इस कारण से आपके चापाकल का पानी भाग रहा होगा, तो इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपके चापाकल का पानी भागता हो तो सबसे पहले आपको यह करना है कि जहाँ चेकवाल्व लगा होता है उस नट बोल्ट को आपको ध्यान देना है कि कहीं वहाँ से एयर तो नहीं ले रहा है। अगर आप चलाएंगे उसको तो आपको पता लगेगा कि एयर ले रहा है, अगर यहाँ एयर ले रहा है तो इस नट बोल्ट को कसेंगे, अच्छे से कस देंगे, अगर कसा जाता है तो ठीक हो जाएगा, अगर यहाँ से एयर ले रहा है तो इसको और इसको कसेंगे अच्छे से और आपका ठीक हो जाएगा, आपको पूरा चापाकल खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चापाकल या हैंडपम्प का ऊपर का भाग अब सेट करेंगे, सेट करते समय इस राड को नहीं पकड़ना है, नहीं तो यहाँ से हाथ दब जाता है। चलिए इसको ऐसे इसमें सेट करते हैं, ऊपर का भाग और हैंडल सेट करने के बाद सबसे पहले इसमें एक नट बोल्ट लगा करके सामने का कसेंगे, कस करके देखेंगे कि यह सही चल रहा है, पानी पकड़ रहा है कि नहीं, अगर नहीं पकड़ रहा है तो पूरा नहीं कसेंगे। अगर चापाकल ठीक हो गया है तो सभी नट बोल्ट को लगा करके ऊपर का कस देंगे और यह ठीक तरह से काम करने लगेगा। चलिए इस चापाकल में पानी डालते हैं और देखते हैं यह चलता है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, हम डाल रहे हैं इसमें पानी, पानी डाल करके चापाकल या हैंडपम्प को चलाते हैं। तो चलिए यहाँ चला कर देखते हैं कि चलता है कि नहीं, पानी पकड़ लेता है। यहाँ देखिए यह पकड़ रहा है, यहाँ देखिए पकड़ लिया चापाकल पानी, यानी यह ठीक हो गया है। इस तरीके से आप आसानी से चापाकल अपने से बना सकते हैं बिना कोई परेशानी के। तो दोस्तों, इस तरह आप अपना चापाकल, अगर ख़राब हुआ है आपका चापाकल तो आप बना सकते हैं बिना किसी मिस्त्री की सहायता से। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, और अगर पहले से ही कर रखा है तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद।